तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं कटवर्क ब्लाउज डिज़ाइन। तो आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप वीडियो को फुल वॉच करो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो पहले यहाँ पे मैंने पेन से जो है और डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जरी का। यहाँ पे हम एंटीक गोल्ड की जरी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे करना क्या है, पहले फर्स्ट मैं चारों तरफ से आउटलाइन कम्प्लीटली मारूँगा। यहाँ पे पहले हमको आउटलाइन मारना होगा। आउटलाइन के ऊपर जो है हम ऑर्गेंजा जमाएंगे। ऑर्गेंजा जमाने के बाद उसके ऊपर फिर हम मरकन करेंगे, ठीक है। मरकन जब करेंगे तो नीचे का जो बैकग्राउंड है, बेस कलर हमारा फैब्रिक, वो कट जाएगा, ओनली हमारा ऑर्गेन्जा रहेगा। तो ऑर्गेन्जा पे हम वर्क करेंगे और उस पर ही हम कटिंग वर्क करेंगे। तो फर्स्ट पहले हमको यहाँ पे आउटलाइन मार लेनी है जरी की। ज़्यादा बारीक मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारा मरकन होगा, जिगजैग मरकन। तो स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा स्क्वायर हमको आउटलाइन मार लेना है। आउटलाइन कम्प्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा सबसे बेस्ट होता है, आप जब भी कटिंग वर्क करते हो ईजिली कट जाता है। अगर आपसे आप अगरबत्ती का यूज़ कर रहे हो या फिर आप शोल्डरिंग मशीन का यूज़ कर रहे हो, काफ़ी इजीली आपका जो ऑर्गेन्जा है वो कट जाता है, ठीक है। जमाने का तरीका कैसा है वो आप देख लो। ऑर्गेन्जा जमाने के लिए आपको वन साइड से पहले धागा मारना है, धागे का आउटलाइन लगाना है, ठीक है। फिर आप किसी की मदद से या किसी को बोलना है कि आप पकड़ लो, या फिर कोई नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके से निडल लगा सकते हो, टाचनी लगा सकते हो, पिन लगा सकते हो। इस लगा के करके आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, फिटिंग कर सकते हो। आपको काफ़ी टाइटली जो है ऑर्गेन्जा को फिटिंग करना है, फिर उसके बाद ही आपको वर्क करना है। ऑर्गेन्जा फिटिंग करने का और एक तरीका है कि आप जो अपना फ्रेम होता है, जो रिंग होती है, उसको हल्का सा आप ढीला रखो, फिर आपका जो ऑर्गेन्जा है उसको फिट करो, ठीक है। फिर बाद में जब आपका फिटिंग हो जाए, आपने जब ऑर्गेन्जा पूरा लगा देंगे, उसके बाद आपको जो रिंग है आपकी या फिर आर्कोट फ्रेम है उसको फुल फिटिंग करना है, उससे और ज़्यादा टाइट होगा आपका। जमाने के बाद यहाँ पर जो मैंने आउटलाइन पहले मारा था, यानी कि ऑर्गेन्जा के पहले, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने ऑर्गेन्जा जमा लिया है तो हमारा जो आउटलाइन है वो हमको दिखाई दे रहा है ना, तो वो आउटलाइन के ऊपर हमको जिगजैग मरकन करना है, वो काफ़ी घने करना है, ठीक है। ऐसे करना है कि आपका जो आउटलाइन, जैसे मरकन सिल रहे हैं हम, तो वो आउटलाइन की तरह दिखे। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप इजीली दोनों फैब्रिक, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, आप इजीली काट पाएंगे। अगर आपका ज़्यादा ही काटा काटा दिखेगा तो वो प्रॉब्लम आएगा। अभी यहाँ पर हमने जो है मरकन कर लिया है। मरकन करने के बाद पहले हमें काटना नहीं है, पहले हमें जो है वो डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना, क्योंकि नीचे का फैब्रिक अगर हम काटेंगे तो जो हमारी छपाई है वो चले जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाइट पेंसिल की मदद से यहाँ पे जो डिज़ाइन है हमारा उसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, ताकि नीचे का हम काट भी लेंगे तो हमारा छपाई जो रहेगा वो ऑर्गेन्जा पे रहेगा, उस पर हम वर्क कर पाएंगे। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जो हमारा कैरी है और हमारा गुमेरी है, ठीक है। इस पे हमारा काम होगा, बाकी जितने भी सब लाइंस मारे हैं स्ट्रेट में, क्रॉस में, वो लाइंस खाली आपस में चीज़ों को रोकने के लिए है, जो हम कटवर्क करेंगे उसको रोकने के लिए। तो मेन हमारा यहाँ पे काम जो रहेगा वो कैरी और घुमेरी रहेगा। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हमारा आरी क्लास का ऐड। हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, इस आरी वर्क के बारे में बहुत कुछ सीखना है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, वो भी ईजी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में, या फिर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। तो यहाँ पर हमने वाइट पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लिया है, जो भी हमारा डिज़ाइन था बनाना था हमने बना लिया। अब पहले फर्स्ट फैब्रिक हम नीचे से काटेंगे, ठीक है। नीचे से हमको काटना है, हमको प्लस बना के काटना है। काटने के बाद हमको आरीकोट फ्रेम को पलटी कर देना है बैक साइड से, फिर आपको एकदम क्लियरली काटना है, फिनिशिंग में काटना है। आपका जो फैब्रिक है नीचे का वाइट फैब्रिक, वो ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, इसलिए आप पलटी करके काटोगे तो आपके लिए बेस्ट कटिंग होगा। फैब्रिक काटने के बाद अभी ऊपर का धागा हमने मारा है आउटलाइन, उसको खोल देना है। खोलने के बाद फिर हमको जो है हमारा जो ऊपर का नेट है, जो हमने जरी की वहाँ से हमको खींची लेके चला के वहाँ पे काटना है, ठीक है। एकदम फिनिशिंग में एकदम क्लियरली काटनी है। बट यहाँ पे आपको याद रहे कि बाहर से अगर आप वर्क करने वाले हो, ठीक है, तो हल्का फुल्का आपको छोड़ देना है, वर्क से वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बट अगर आप कुछ वर्क नहीं करने वाले हो, आप सीधे जाल बनाने वाले हो, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं रखना है ऑर्गेन्जा के ऊपर, काफ़ी लाइटली हाथ रखना है। इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगा, जो मेन हमारा रहेगा वो शुगर बीट्स रहेगा, ठीक है। शुगर बीट्स से हम कैरी में और घुमेरी में, उसमें हम आउटलाइन मारने वाले हैं।
उस आउटलाइन के बाद से फिर हम जरी की जिगजैग मरकन मारेंगे। जो हम कटिंग करेंगे तो जिगजैग मरकन काफ़ी ज़रूरी होता है, आउटलाइन से बेटर जो होता है वो जिगजैग मरकन से चीज़ों को रोकने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे करना क्या है, आउटलाइन कैरी पे भी मारनी है हमको, आउटलाइन हमको घुमेरे पे भी मारनी है। पहले सबका आउटलाइन कम्प्लीटली मार लेंगे। यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे निडल आउटलाइन मारने के लिए, यानी कि बीट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो नंबर है निडल का वो है हमारा 8 नंबर। और जो धागा रहेगा हमारा थ्रेड गोल्डन थ्रेड रहेगा और वो रहेगा पॉलिस्टर थ्रेड। ठीक है, हम यहाँ पे हर एक लाइंस पे यानी कि घोमेरी और कैरी पे यहाँ पे की आउटलाइन मारेंगे। और बीट्स जो फेंकेंगे हम 2 से 1 फेंकेंगे, कभी कभी 3 फेंकेंगे, ज़्यादा 3 नहीं यूज़ करेंगे, 1 और 2 ज़्यादा यूज़ करेंगे। शुगर बीट्स कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा जरदोजी वो है दयाल जी का 47। इसकी साइज़ कितनी काटनी है, इसकी साइज़ आपके निडल के हिसाब से काटनी है। निडल की जो साइज़ होगी उससे हल्का छोटा काटना है ताकि हमारा जो टाका है वो निकालने का हमको जगह मिले, उसके हिसाब से हमको जरदोजी काटनी होती है। हल्का सा खींच लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे क्या, जो हमने कैरी बनाई है कैरी से चिपक के जो हमारा आउटलाइन जाएगा और उसके बीच में से यानी कि 2 हम लाइन मारेंगे जरदोजी का, हल्का सा गैप रख के वहाँ पे हम झारखंड चिपकाएंगे। अभी हमको यहाँ पे जो झारखंड लगानी है वो साइज़ बारीक लगानी है, यानी कि 10 नंबर लगानी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जगह छोड़ेंगे, अगर साइज़ थोड़ी बड़ी होती तो जगह हम बड़ा छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो साइज़ यूज़ करने वाले हैं झारखंड का वो 10 नंबर है, तो जगह भी काफ़ी हम बारीक छोड़ेंगे। जरदोजी मारने के बाद फिर से हम यहाँ पे जो है शुगर बीट्स का इस्तेमाल करेंगे, उसी के करीब से लेके हम यहाँ पे शुगर बीट्स मार देंगे। तो ये काम करने के बाद खाली हमारे बीच में जगह आएगा, खाली उसी को भरेंगे हम यहाँ पे, अलग अलग कलर का लगाएंगे, कोरा लगाएंगे यहाँ पे लाइट कलर का, जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद से फिर मैं यहाँ पे जरी इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे करना क्या है, घुमेरी पे और कैरी पे हमें पहले आउटलाइन मारना है, आउटलाइन के पर ऊपर हमको जो है मरकन मारना है जिगजैग मरकन, जिससे हमारा चीज़ कटिंग होगा। पर कटिंग के पहले पहले हमें घुमेरी और मरकन इस पर जो हमारा कैरी है उस पर करना पड़ेगा। उसके बाद जितनी भी लाइन्स हमने जो वाइट पेंसिल से मारी है, लाइन सीधी क्रॉस में कैसे भी, वो लाइन्स को भी हमको जो है मरकन कम्प्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम काट पाएंगे उसको। घुमेरी का और कैरी का हमने जो है मरकन कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद जो आपको आउटलाइंस दिख रही है छपाई से वाइट वाइट, उसको भी हमको जो है आउटलाइन के साथ में मरकन करना है, क्योंकि उसी के बदौलत हमारा जो वर्क है वो रुकेगा, हमारा जो वर्क है आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसके भी हमको जो है मरकन करना है, जिगजैग मरकन करना है और काफ़ी घना करना है। यहाँ पे जो हम मरकन कर रहे हैं ठीक है, उसको काफ़ी घना करना है हमें, और काफ़ी समझ लो करीब से करना है, काफ़ी डिस्टेंस छोड़ना नहीं है, काफ़ी गैप छोड़ना नहीं है यहाँ पे।
मटेरियल से चिपका के करना है, चाहे वो हम गुमेरी में सिल रहे हैं चाहे कैरी में सिल रहे हैं। उसके बाद जो हमारा आउटलाइन है जो हमने सीधा वैसे कैसे भी मार दिया है, वो सब पे भी हमको जो है मरकन करना है, वो काफ़ी घना करना है, काफ़ी चालू नहीं करना है ताकि काटा काटा दिखेगा जब कटिंग करते समय हमारे को प्रॉब्लम आए, काफ़ी बारीक और घना करना है। जरी के मरकन के बाद यहाँ पे हम लेंगे नक्शी, नक्शी के साथ में लेंगे हम कोरा, यहाँ पे हम लाइट गोल्डन कोरा ले रहे हैं, ठीक है। और नक्शी हम पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे, कोरा जो रहेगा ऊपर से हमारी जो लीफ बनेगी, लोडिंग बनेगी पत्ती की, डबल लोडेड लीफ, उसके लिए हम कोरा इस्तेमाल करेंगे। धागा जो रहेगा इसमें गोल्डन सेम रहेगा जो हमने बीट्स में यूज़ किया था, ठीक है। और जो नेडल रहे इसमें यूज़ करेंगे हम जो 7 नंबर यूज़ करेंगे, जिसमें हमने जरदोजी मारा था, वो नेडल हम कोरे के लिए भी लेंगे 7 नंबर का। यहाँ पे हमको कोरा मिडल से स्टार्ट करनी है, ठीक है, और वन साइड में करते हुए जाना है, फिर आपको सेकंड साइड में फिर आना है, बीच में गैप बनेगा, गैप में भी हम कुछ ना कुछ चिपकाएंगे जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा आएगा। कोरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें लेना है फेविकॉल, ठीक है। यहाँ पे हम फेविकॉल का इस्तेमाल करेंगे और झारखंड लगाएंगे, तो झारखंड जो हम लगाएंगे वो 10 नंबर का होगा, क्योंकि गैप काफ़ी हमने बारीक छोड़ा है, पतला छोड़ा है, तो वहाँ पे हमारा 10 नंबर ही आएगा। अगर हम नंबर बड़ा लगाते हैं यानी कि 12 नंबर या 14 नंबर लगाते हैं तो जगह काफ़ी हमारा भर जाएगा, जो नीचे की जरदोजी है वो दिखाई नहीं देगी, तो हमें जरदोजी भी दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पे 10 नंबर का झारखंड ही यूज़ करेंगे। और चिपकाने के लिए जो हम लेंगे यहाँ पे वुडन निडल लेंगे, हल्का सा उसमें गम लगा देंगे, फिर पोंछ देंगे, फिर उससे फिर हम जो है डायमंड उठा के एक एक करके लगाएंगे। झारखंड लगा के जब हो जाता है तो हमें झारखंड को 10 मिनट 15 मिनट सूखने देना है। सूखने के बाद अपने फ्रेम को पलटी कर लेना है बैक साइड के हिस्से में, आपको धागा जो है सारे धागे को काट लेना है जो धागा एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि कटिंग करते समय जो है वो आपका धागा सामने नहीं आना चाहिए, ओनली फैब्रिक ही आना चाहिए। धागा कट के हो गया, अब फिर से फ्रेम को जो है वापस पलटी कर देना है, सामने का जो हिस्सा है वो लगाना है। फिर इसमें क्या करना है आपको, जो अगरबत्ती है हमारी कोई भी अगरबत्ती चलेगी उसको जलाना है, ठीक है। और पहली बात कि बार बार ये बुझ जाएगा तो उसको आप एक बार हवा करते रहना यानी कि फू मारते रहना, उसके साथ साथ में आपको ऑर्गेन्जा को काटना होगा उसको जला के, ठीक है। ईजीली कट जाता है ऑर्गेन्जा हर एक फैब्रिक के मुकाबले में, और इसमें जो है कालापन भी नहीं होता है। तो पूरे फैब्रिक को आपको ऑर्गेन्जा को पूरा काटना है, फिर आपका जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो जाएगा कटवर्क वाला। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए और ऐसा काम सीखने के लिए, आरी वर्क को सीखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।